चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 में हमने कल फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन देख लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाया दिया है कि पॉपुलेशन ऑफ द राजस्थान दिया है आपको कितना 570 लाख, और पॉपुलेशन यूपी का दिया है 1660 लाख, एरिया भी दिया है राजस्थान का कितना है 3 लाख, और एरिया यूपी का भी दिया है, यूपी कितना दिया है 2 लाख। तो आपको बताना है कि हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दिस स्टेट। तो दोनों स्टेट में पर किमी स्क्वायर में कितने पीपल्स है वो बताना है आपको, और विच स्टेट इज लेस पॉपुलेट। तो ये तो हम पहला क्वेश्चन हम देखेंगे ना तब हमको पता चल ही जाएगा कि लेस पॉपुलेटेड कौन सा है और मोर पॉपुलेटेड। तो पहले फर्स्ट का आंसर बताओ कि फर्स्ट क्या बोला है फर्स्ट में, पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये पर वर जो भी आता है ना पर करके, वो हम आपको ऑलवेज नीचे लिखना है। तो किलोमीटर स्क्वायर जो आएगा वो नीचे आएगा, और एरिया जो दिया है ना हाउ मैनी पीपल्स, तो जो पीपल पॉपुलेशन जो दिया है वो कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। तो पॉपुलेशन बाय किलोमीटर स्क्वायर करो तो आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट का पॉपुलेशन ऊपर लिखो, फर्स्ट का पॉपुलेशन कितना है 570, और उसका एरिया कितना है 3। तो 570 बाय 3 तो कितना आएगा 190। तो पर किलोमीटर स्क्वायर हाउ मैनी पीपल्स पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर में 190 पीपल है। कितना है पर किलोमीटर में 190 पीपल है, कहाँ के राजस्थान के, कहाँ के राजस्थान। तो ये बात हो गई किसकी, राजस्थान की। अब बात करते हैं किसकी, यूपी की। किसकी बात करते हैं, यूपी। तो यूपी में पॉपुलेशन ऊपर लिखो, तो यूपी में पॉपुलेशन ऊपर किलोमीटर स्क्वायर नीचे। तो यूपी का पॉपुलेशन कितना दिया है देखो 1660, तो लिखो ऊपर पॉपुलेशन ऊपर लिखो 1660 पॉपुलेशन लिखा, किलोमीटर स्क्वायर मीन्स एरिया, तो एरिया नीचे तो 2 नीचे, तो 2 से काटो 2 8 16 और बाद में भी कितना दिया है 60 दिया है, तो क्या होगा 30। तो यूपी में भी पर किलोमीटर स्क्वायर कितना है 830, कितना 830। तो लेस पॉपुलेटेड कौन सा है 190, तो वो क्या है राजस्थान, और मोर पॉपुलेटेड कौन है यूपी, तो वो कितना है 830। तो यहाँ पे लेस पूछा था तो आपका आंसर आ जाएगा राजस्थान, आपका आंसर आ जाएगा राजस्थान। अब ये एक्सरसाइज नंबर 8.1 खत्म हो गई। अब हम देखते हैं परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज से आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। तो डायरेक्टली हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर सेवन राइट 1-3 एज अ परसेंटेज। क्या राइट 1-3 एज अ परसेंटेज। देखो परसेंटेज में मैं आपको सिंपल बता देता हूं, 1/10 होगा ना, 1/10। तो ये आप 10 जब भी रिमूव करोगे ना तो ऊपर परसेंटेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर परसेंटेज। वैसे ही 1/200, तो 1/200 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 100, तो 1/2 का तो 1/2, और ये जो 100 है ना 100 हम रिमूव करेंगे तो 1/2 परसेंटेज ऐसा हो जाएगा। तो इसको लिखो, ये क्या है 1/3 का परसेंटेज लिखना है ना, तो पहले 1/3 लिखो, तो 1/3 ऊपर नीचे 100 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो। ओके, तो डिवाइडेड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, तो अब ये 100 इस साइड पे ला दो, तो 100/3, और ये 1/10 100 तो था ही था, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो 1/100 है ना वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया 100/3 मीन्स 33.3, और ये 1/10 का क्या हो जाएगा, 1/100 का क्या हो जाएगा परसेंटेज। तो ये 33.3 परसेंटेज आपका आंसर आ गया। ओके, फिर एग्जांपल नंबर 9 देखो पहले, तो आपका थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। 5/4 दिया है ना उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 5/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। अभी देखो मैंने क्या बताया, ये आपको दिया हुआ था उसमें से परसेंटेज में जाना था, तो ये 100 को आपने रिमूव कर दिया, डिवीजन में था और आप परसेंटेज में चले गए। उसका उल्टा आपको क्या करना है, 5/4 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, 5/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो याद रखो जिसको भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना उसको 100 क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करो और पीछे परसेंटेज लगा दो। क्या 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज लगा दो, तो 4 4 से 2 20, तो ये 5, तो ये क्या आ गया 25 का कितना होता है 125, क्या होता है 125, तो ये 125 परसेंटेज हो गया। तो 5/4 ये स्ट्रेंथ में लिख रहे हो तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा 125 परसेंटेज हो जाएगा।
वैसे एग्जांपल नंबर 8 देखो, तो एग्जांपल नंबर 8 में क्या बताया, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का परसेंटेज बताना है। तो क्या करेंगे, तो गर्ल्स की स्ट्रेंथ लिखो, क्या गर्ल की स्ट्रेंथ, डिनोमिनेटर में टोटल स्ट्रेंथ लिखो, डिनोमिनेटर में टोटल स्ट्रेंथ, और जो भी आता है ना उसको क्या करोगे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा उसको क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करके क्या करोगे परसेंटेज लगा दोगे, क्या करोगे परसेंटेज, फिर से गर्ल की स्ट्रेंथ अपॉन टोटल स्ट्रेंथ, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो और पीछे परसेंटेज लगा दो। तो गर्ल की स्ट्रेंथ कितनी दी है टोटल में से 15, टोटल कितनी दी है 25, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज लगा दो, 25 से 4, तो गर्ल का परसेंटेज कितना हो गया 60%। देखो गर्ल 60 है तो बॉयज कितना होगा 40%, बॉयज कितने हो गए 40, लेकिन हम इसको इक्वेशन से लाते हैं, क्या लाते हैं इक्वेशन से, तो जैसे ऊपर गर्ल की स्ट्रेंथ लिखी थी वैसे बॉय की स्ट्रेंथ लिखो, तो बॉय की स्ट्रेंथ यहाँ पे 15 गर्ल्स है तो बॉयज कितने हो गए 10, 25 में से 15 गर्ल है तो बॉयज कितने हो गए 10, तो 10 बॉयज, नीचे टोटल स्ट्रेंथ, तो टोटल स्ट्रेंथ लिखो कितनी 25, उसको परसेंटेज में लिखना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा देंगे। अभी अगेन 25 से 100 को काटेंगे तो 25 4 100, तो ये जो आंसर आया 10 × 4, 10 × 4 क्या होता है 40%। देखो ये हम जो लाए ना वो इक्वेशन से लाए, कि ये 60% था तो यहाँ पे गर्ल की स्ट्रेंथ अपॉन टोटल स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पे 10 / 20, तो यहाँ पे क्या किया गर्ल की स्ट्रेंथ अपॉन टोटल स्ट्रेंथ और यहाँ पे बॉय की स्ट्रेंथ अपॉन टोटल स्ट्रेंथ, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो भी आया वो आपका परसेंटेज, तो ऐसे आप बॉय और गर्ल का परसेंटेज आप निकाल सकते हो। ओके, तो किसी का भी परसेंटेज मीन्स उसकी वैल्यू रखो और नीचे आप उसकी टोटल वैल्यू रखो और 100 से मल्टीप्लाई।